तो शहर के पर्यटन व धार्मिक स्थल मत्स्यगंधा स्थित श्री 64 योगिनी मंदिर परिसर में एक माह चलने वाले महायोगिनी मेला का डीएम ने द्वारा फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर बुधवार को उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मेला संवेदक अमृत राज ने सभी अतिथियों को पग चादर व बुके देकर सम्मानित किया। इस मेले को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। मेला में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो इसीलिए शरारती तत्वों पर नजर बनाकर सुरक्षा के बेहतर उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आए व्यवसायी लोगों से अच्छा व्यवहार करें। उस जिले में अब तक किसी आयोजन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। खाली स्पेस है भर बाउंड्री के अंदर, वो वाला हम बोले हैं कि लगा लीजिए। हम यहाँ सहरसा जिला अंतर्गत माँ 64 योगिनी में मत्स्यगंधा मेले का शुभारंभ किया गया है। ये लगभग एक माह तक चलेगा, 14 जनवरी तक ये मेला चलेगा। इसमें जैसा बताया गया कि विभिन्न राज्यों से व्यापारीगण आए हुए हैं और लगभग 150 से 200 तक दुकानें इसके अंदर लगेंगी। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारे ज़िले के व आसपास के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो लोग इस मेला में आएँ और इस मेला में जो भी हमारे विक्रेता हैं उन सबका मनोबल इससे बढ़ेगा और इसका लाभ उठाएँ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरे ढंग से प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये मेला का आयोजन हो और किसी भी हमारे पुरुष हो या माताएं बहनें हैं उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। प्रशासनिक स्तर पे इसमें सबसे पहले तो इस मेले का सैरात किया गया, उसके अलावा सभी पॉइंट में हमारे मजिस्ट्रेट के साथ ही जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर पुलिस फोर्स की निगरानी तैनाती की गई है। उसके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान हमारे और महिला जवान भी हमारे मेले में रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे से भी कई जगह पे इसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लगाया गया है। उसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सभी पुलिस की गश्ती भी इसके अंदर नियमित रूप से होती रहेगी। सर विधिवत इसके डीएम साहब और एसडीएम साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और मेले में विभिन्न प्रदेशों से कई तरह की चीज़ों की दुकान यहाँ लगी है। बच्चे के मनोरंजन के लिए यहाँ बहुत सारे खेल तमाशा झूला का नया नया आइटम इस बार लगा है और सहरसावासी इस बार मेला का अच्छा सा क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही पूरे शहरवासी को कहना चाहेंगे कि इस बार अधिक से अधिक संख्या में मेला में आवे और मार्केटिंग करे और झूला का आनंद।